नमस्कार पहलाक आप सभी को मेरा और मैं प्रीति भंडारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि सब ठीक होंगे और आपके प्यार और महादेव की कृपा से हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग की। 10 बज चुका है ऑलरेडी और घर पर कोई भी नहीं है, एक बुढ़िया अम्मा, एक मैं हूँ और एक काशवी है, तीन जने हम। और बुढ़िया अम्मा भी सो गई है, काशवी सो गई है और मैं, मामा लोग दुकान में चले गए हैं, राशि और कानू चले गए हैं स्कूल के लिए और मामी भी अपने आंगनवाड़ी चली गई है, तो घर पर कोई नहीं है इस वजह से। काशवी को दूध दे देते थे, मैं भी सो गई थी, मेरे को भी नींद आ गई थी उसके साथ। फिर अभी उठी, फिर मैंने फटाक से नहाया धोया है, अभी भिंडी तोड़ देती हूँ, ये भिंडी तोड़ देती हूँ क्योंकि सॉफ्ट है वैसे लेकिन बड़ी हो गई है तो बाद में हार्ड हो जाएगी, इसीलिए खाने के लिए भी सही हो रखी है, सब्जी वब्जी बनाने के लिए। और देख लेती हूँ और है नहीं है इस पर, और छोटी छोटी हो रही है वैसे, ये इसको भी तोड़ ही देती हूँ क्योंकि ये मुड़ रही है ना पूरी, ऐसे मुड़ गई है तो तोड़ देती हूँ इसको। और ये अभी दोनों छोटी छोटी हो रही हैं, मतलब छोटी वैसे तो ठीक है बाजार में तो ऐसी ही आती हैं लेकिन घर की हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तभी तोड़ेंगे, हल्की सी इतनी सी बड़ी और हो जाएगी। तो एक ये हार्ड सी हो रही थी, वैसे छोटे थे लेकिन थोड़ा सा ऐसा हल लग रहा है हार्ड। और ये है अमरूद का पेड़, पहले उस पर पूरे लाल अमरूद होता था, बहुत ही रेड, लेकिन अब ये थोड़ा इसका रेडपन थोड़ा कम हो गया, हल्का हो गया है। तो अमरूद वमरूद तो हो रखे हैं इस पर, देखती हूँ कोई पका है तो, कच्चे हैं वैसे लेकिन कोई पका है तो खाने के लिए देखती हूँ अपने। तो एक मैंने तोड़ लिया अपने लिए, ये पीला पीला सा इसमें नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा हल्का हो रखा है पीला। लाल है ना, हल्का लाल अमरूद है और इस पर लग रही है हल्की छोटी छोटी लौकियाँ। एक लौकी है, एक छोटी सी यहाँ पे हो रखी है, एक छोटी सी यहाँ पे हो रखी है, ये अभी हो ही रही है। और ये है पूरा आम का बगीचा, यहाँ पे पूरा आम के पेड़ है, कलमी आम होते हैं इनमें बड़े बड़े, ये सारे आम के पेड़ हैं इधर। एक अमरूद और मिल गया मेरे को पीला पीला, ये है लाल अमरूद दिख रहा है, ये हल्का हो गया, पहले बहुत लाल होता। काशवी और अम्मा दोनों सो रहे हैं, टाइम पास ऐसे ही कर लेती हूँ अपना। और वैसे मैंने पहले यहीं पढ़ाई की है, जब मैं 9th में थी और एक बार तीसरी क्लास में पढ़ती थी, तब तीसरी क्लास में फिर मैं चौथी क्लास अपने वहाँ चली गई और 9th क्लास मैंने यहीं से पढ़ा था, फिर 10th में से फिर यहाँ से चली। यहाँ पे फूल कितना प्यारा हो रखा है ना, इसमें पता नहीं साफ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा लेकिन इतना गुलाबी, इतना मस्त लग रहा है ना, एकदम बढ़िया लग रहा है। ये पूरा घास रखा हुआ है यहाँ पे, मामी ने घास काट कर आई है और भैंस को थोड़ा घास देती हूँ क्योंकि वह 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 कर रही है, उसको भूख लग गई होगी तब से, तो घास देती हूँ। ऐसे पू बात के ला रखी है डन से घास, ये ऊपर जंगल से अभी जा ही रखे हैं वैसे घास के लिए बहुत सारे लोग। ये है छानी, भैंस का है, मेरा भैंस, इसको लगी है भूख, लगी है तेरे को भूख लगी है, खा ले, मेरे को पहचान नहीं रहा है ये, खा ले भाई, मैं नहीं लाई हूँ घास, खा ले, तेरा घुसाने ला रहा है घास, मैं जाके ला रू, खा खा। गेट कर देती हूँ बंद, उसको भूख लगी थी तो उसके घास भी खत्म हो गई थी उसकी, अभी व्यायाम व्यायाम कर रही थी। और ये है हमारा टाइगर, सो रखा है यहाँ पे आराम से, सो नहीं रखा है उठ रखा है, छाँव में लेट रखा है एकदम मस्त से। उठ चुकी है हमारी मैडम जी, उठ चुकी हैं काशी मैडम, उठ के सीधे इधर जा चुकी हैं बैठने के लिए। यहाँ पे तुम्हें ठंडा लग रहा है, ये आ रहे हैं घास से लोग, डन से घास काट के, जा रहे हैं आप पारा अम्मा के वहाँ घूमने। और ये स्कूल से आए थे ये लोग, 2:30 बजे स्कूल से आए थे, अम्मा भी इन्हीं के साथ ही आई थी टिक्किया सेन से। तो अभी हो गई है शाम, अम्मा दोनों और मामी दोनों घास के ले गए हैं,
मैं काशवी और काशी जा रहे हैं घूमने के लिए। ये दथुल पिहाने का बांस का पेड़ बोल रहा है। यहाँ भी भिंडी और क्या, और इनकी भिंडी तो बुढ़ी हो गई, इन्होंने तोड़ी नहीं है क्या? ये पूरी बूढ़ी बूढ़ी भिंडी हो गई इनकी। ये पूरा बो रखा है भुट्टे उट्टे इधर भी। आ गए हम पारे अम्मा के घर। यहाँ पे क्या ये फूल लगा रखे हैं मस्त से अम्मा ने। मामा वो भिंडी का आक्षी होती, वो तो पूरा बुढ़ापा ठही वो खानी छोड़ो। ए अम्मा के और क्या अमरूद। इनके जाओ ये वाला तोड़ू हूँ कम ढल लिया। इसे हम जा रहे काटने पर ये निकला सड़ा है, खराब सड़ा है। भैंस खाता उसको किसी ना अखोड़ा डा हो। अच्छा ये क्या डा था? लीची डो। अरे हो लीची डो। और ये वाला निकला है पर लीच है है खा फिर खा वो आप तो अमरूद पैगरी ना तो बहुत है। यो साइड जाना लियो कीड़ पड़ जाना लास्ट में तुमने मीठे खाते नहीं। चलो भैंसू मा जानी भैंस खा ली वरना इंसान ही खाते हैं। चलो चलो ओ तेरी जूही कद्दू लगा रहे हो खतरनाक वाला। अम्मा का नीचे काटने के लिए आ रहा है। बड़ी लग रखी है ना, उन्होंने पट्टा भी रखा उसके लिए। ला गए हैं बूबू जी, ला गए हैं लौकी। वीडियो गेट जला रखा है। और यहाँ पे कट रहा है कद्दू, बूबू काट रहे हैं जिसमें कि एक हिस्सा वो बनाएंगे एक हिस्सा नीचे अम्मा के लिए काट रहे हैं। दो हिस्से कर रखे उन्होंने। ये अम्मा ने बो रखा है इधर लगुले मुगले इनके हो रखे हैं, बैठा बैठा हो रखा है। ये देखो सीताफल हो रखा है मस्त वाला एकदम बढ़िया। ऊपर बूबू उनका हिस्सा भी बड़ा हो रखा था। और इधर बो रखा है अम्मा ने गहत वहत मडुआ और रखा है मडुआ अडुआ मस्त से एकदम। धतूरा दाम हो भी रखे हैं दाम बुझा खराब है वो। कहाँ आया है काशी? काशी कहाँ आया है? हाँ खेलो खेलो खेलो। ये देखो ये लड़की पागल लड़की ऊपर चढ़ के डांस कर रही है। गिरेगी नहीं गिरेगी यहाँ से? फाट मार दिया इसने खड़े खड़े। ये हमारी मामी आ गई घास लेके। अब आ जाओ दिख नहीं रही मामी अभी। ये है चौलाई, पत्ते पत्ते ऐसी है जैसे पत्ते निकलेंगे फिर इसमें से चौलाई निकलेगी। अम्मा काट के आ रही है नीचे बढ़ने से। देखो डर नहीं लग रहा ना टाइगर? डर लग रहा है लग रहा है डर लग रहा है अभी लग रहा है कि मस्त तुम गांव के भुट्टे। ये एक्चुअली ये खा दिए थे ये चिड़िया ने खा लिए आधे। ये देखो सब ये आधे आधे चिड़िया खा चुकी है तो अम्मा इसीलिए इन्हें तोड़ के ले आई है। ये बहुत सारे खाए एकदम आधे आधे ना ये चिड़िया खा जाती है ने तो इसीलिए अम्मा ले आई है। बनाएंगे आज भुट्टे उबालेंगे खाएंगे मस्त। और अम्मा उनके वहां से आ गए थे हम जल्दी क्योंकि मेरा चार्ज खत्म हो गया था और काशवी ने भी टॉयलेट कर दी थी तो उसके पजामा भी नहीं तो इसलिए हम जल्दी आ गए थे। तो आज की वीडियो को यहीं पकड़ते हैं एंड। और अम्मा चुलाई लेने गई थी तो मैं थोड़ा अम्मा का लेने गई थी नीचे तक ही यहीं पे ही अम्मा आ गई थी। वैसे नीचे बर्ड है हमारा
वहीं पे गई थी अम्मा काटने के लिए, तो वहाँ से भुट्टे वगैरह भी लाई है शायद। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए एक दूसरे को एंड मिलते हैं। खाइए भात, बेकार है ना ये भात, कैसे खा रहा है, तमीज से खा रहे, ऐसा कोई खाना खाता है जानवरों की तरह? नाच के कौन खाता है? तो ये हमारे दो चंगू मंगू है, मामा के दो बच्चे हैं, ये शरारती बच्चे। तो आज की वीडियो करते हैं एंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रखिए एक दूसरे को एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज 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 एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।